माफिया अतीक अहमद के भाई और बेटे पर शिकंजा कसेगा। सामान्य बैरक से तनाही बैरक में ट्रांसफर किया जाएगा। अतीक के भाई खालिद को तन्हाई बैरक में भेजा जाएगा। वहीं अतीक के बेटे बड़े बेटे को मोहम्मद उमर को तन्हाई बैरक में भेजा जाएगा। अतीक के भाई और बेटे को कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा। तीनों को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। खबर यह भी है कि यूपी के अलग अलग जिलों में बंद अतीक के भाई और बेटे, छोटा भाई पूर्व विधायक खालिद अजीज उर्फ अशरफ बरेली जेल में बंद है। इन्हें अलग अलग बैरक में अब रखा जाएगा। सामान्य बैरक से तन्हाई बैरक में ट्रांसफर किया जाएगा। ये खबर सामने आ रही है इस वक्त की। वहीं अतीक के भाई खालिद को तन्हाई बैरक में भेजा जाएगा, यानी कि अब इनका ट्रांसफर किया जा रहा है। अतीक के बेटे बड़े बेटे मोहम्मद उमर को तन्हाई बैरक में भेजा जाएगा। माफिया अतीक अहमद के भाई और बेटों पर कानूनी शिकंजा अब कसना शुरू हो चुका है। सामान्य बैरक से उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा तन्हाई बैरक में। अतीक के भाई खालिद को तन्हाई बैरक में भेजा जाएगा। अतीक अहमद पे लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। और इस खबर पर मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, खबर सामने आ रही है कि अतीक अहमद के बेटे और उसके भाई को जो अभी जिस जेल में रह रहे हैं वहां से दूसरे जेल भेजा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, अतीक अहमद के परिवार के तीन सदस्य उन दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में बंद है। छोटा भाई अशरफ करेली जेल में बंद है। अतीक अहमद का बड़ा बेटा लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा जो अली अहमद है वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। और जिस तरीके से पिछले दिनों बरेली जेल को लेकर खुलासा हुआ था, कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, तो उसके बाद से इन तीनों लोगों को अब सामान्य बंदियों के आसे हटा करके अलग तन्हाई बैरक में, हाई सिक्योरिटी बैरक में ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ इन तीनों से कुछ दिनों तक कोई भी मुलाकात नहीं कर सकेगा। जो है वो इनके मुलाकात पर पाबंदी लगाए जाने की भी तैयारी की गई है। जिन बैरकों में ये रहेंगे वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है, सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। जो बंदी रक्षक तैनात होंगे इनकी सुरक्षा में, वो बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद का जो कुनबा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में बंद है उस पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ना सिर्फ तन्हाई बैरक में रखा जाएगा बल्कि इनसे मुलाकात पर भी कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगाई जाएगी। इस तरीके की तैयारी जो जेल के अधिकारी है वो कर रहे हैं। हालांकि इन्हें अमली जामा पहनाए जाने में अभी 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। बहुत शुक्रिया मोइना आपका तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।